जमात एट्थ वालों, आपकी किताब में शामिल सबक चंद खलाबाज खवातीन, उसकी मश्क में जो सवालात हैं, इसका पहला सवाल है खला किसे कहते हैं। तो खला स्पेस को कहते हैं, मे भी आपको स्पेस का ज़्यादा नॉलेज होगा खला के की नस्बत। तो ज़मीन की सतह से तकरीबन 300 किलोमीटर ऊपर के की बुलंदी के बाद जो हिस्सा आता है, जहाँ पे हवा, पानी, रोशनी वगैरह का वजूद सारा ख़त्म हो जाता है और एक एंडलेस स्पेस पाई जाती है, वहाँ पे डार्कनेस होती है, उसे हम खला कहते हैं। वहाँ ना रोशनी होती है ना हवा होती है, वहाँ जाने के लिए ऑक्सीजन को ज़मीन से ही साथ लेना पड़ता है। अब खलाई परवाज की इब्तिदा किसने और कब की थी? अब देखो, साइंटिस्ट तो अपनी दरियाफ्तों और ईजादात में मसरूफ हैं। अब कहते हैं कि इस खला को सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया, वहाँ कौन गया सबसे पहले और कब गया? तो खलाई परवाज की इब्तिदा सबसे पहले रूस ने की थी। कब? 16 अक्टूबर 1957 ईस्वी को। उसके बाद आपका तीसरा सवाल जो है वो है, सबसे पहले खला में किसको भेजा गया और उसका नाम क्या था? और जब भी किसी ऐसी जगह पे किसी को भेजना होता है, वहाँ इंसान बजाते खुद रिस्क नहीं लेता है, वहाँ पे जानवरों से काम लिया जाता है, इसलिए रूस ने सबसे पहले खला में एक कुतिया को भेजा और उस कुतिया का नाम लाइका रखा गया था। शुक्रिया।